दोस्तों, किसी भी चीज का किसी जगह पर जब प्रवेश होता है तो वह वस्तु अपने अनुकूल वातावरण चाहती है उस जगह का। यानी यदि घर में कोई भी नकारात्मक चीज प्रवेश करेगी तो सबसे पहले नेगेटिविटी पहले ही पैदा कर देगी उस घर में। घर में भूत प्रेत का प्रवेश, संकट का प्रवेश, किया कराए का प्रवेश, बांध दिया गया है घर को। ये सब बातें किस समय लागू होंगी? जब घर में पहले ही नकारात्मक चीज प्रवेश कर चुकी होगी, यानी घर में कलह है होगा, घर की व्यवस्था खराब हो जाएगी, एक दूसरे व्यक्ति झगड़ा करेंगे, तो माहौल पहले ही खराब हो जाएगा। तो वहां के पितृदेव भी अपने रुष्ट हो जाएंगे, कुलदेव भी रुष्ट हो जाएंगे और अपने सभी देव भी वहां पर नहीं रहेंगे। अब जब ऐसा माहौल तैयार हो जाता है, तब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का प्रवेश, चाहे भूत हो, बाधा हो, प्रेत हो, संकट हो, किया कराया हो, उसका प्रवेश शीघ्र हो जाता है, क्योंकि उसके मन मुताबिक जो वातावरण था वह तैयार हो गया है। इसी पर आधारित है यह वीडियो कि यदि अपने घर का वातावरण यानी घर के अंदर इस प्रकार की नकारात्मकता का जो थोड़ा बहुत भी प्रवेश है उसको यदि समय समय पर निकालते रहेंगे, तब कभी भी आपके घर में ये बाधाएं प्रवेश नहीं करेंगी, और यदि कर भी चुकी हैं तो शीघ्र अपना स्थान बदल देंगी। और आसान प्रयोग है दोस्तों, घर के अंदर ही हर चीजें हुआ करती हैं। अपने घर की रसोई की मुख्य रूप से काम आने वाली चीजें ही तंत्र मंत्र में काम आ जाया करती हैं दोस्तों। मैं सत्यनारायण शर्मा छह माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह पांच चीजें जलाते हैं। अब ये पांच चीजें बस आपके आसपास में ही हैं, कहीं से आपको लाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। यह पांच चीजें क्या हैं और कैसे इनको जलाएंगे, विधि क्या है, बस यह चीज आप नोट कर लीजिए। और यह प्रयोग यदि आप रोजाना शनिवार से अगले शनिवार तक 8 दिन रोज कर देते हैं, आपको 2-4 महीना देखने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति यदि यह चाहे कि मैं सप्ताह में एक बार इस प्रयोग को कर लूं, तो वह शनिवार को इस प्रयोग को कर लिया करे, कम से कम 7 शनिवार अवश्य कर लें। अब आपके ऊपर है कि ये आप किस प्रकार से करते हैं। लगातार करें तो 8 दिन कर लें, और हर शनिवार करें तो एक शनिवार के बाद दूसरे शनिवार, ऐसे 7 शनिवार कर लेना दोस्तों। सबसे पहले आपको जरूरत होगी लाल मिर्च पिसी हुई, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी अजवाइन और थोड़ी पीली सरसों, तीन चीजें तो ये आपकी रसोई में ही मौजूद रहती हैं दोस्तों। लाल मिर्च, अजवाइन और पीली सरसों। पीली सरसों यदि ना आपकी रसोई में हो तो आप इसके स्थान पर राई भी ले सकते हैं।
अब तीन चीजें यह हैं आपके पास में, अब दो चीजों की और आवश्यकता है। दोस्तों जब लहसुन को छीलते हैं तो ऊपर का छिलका उतरता है, बस उन छिलकों को इकट्ठा कर लें। प्याज को छीलते हैं तो प्याज के ऊपर का छिलका निकलता है, ऊपर का जो फोलर फोलर बोलते हैं पतला सा होता है। अब वैसे तो ये सूखे के समान ही होते हैं, फिर भी इन्हें थोड़ी देर भी आप धूप में रखेंगे तो सूख जाएंगे। बस आपके पास अब ये पांच चीजें हो गई हैं, लहसुन का छिलका, प्याज का छिलका, राई या पीली सरसों, अजवाइन और लाल मिर्च। दोस्तों अपने घर में कोई भी एक मिट्टी का पात्र होता है, उसके अंदर अग्नि जला लें, और अग्नि जलाने का सीधा सा सरल मार्ग हुआ करता है, अपने पास में गोबर से बने हुए कंडे हुआ करते हैं, छोटे से कंडे पर आप कपूर रखेंगे, थोड़ा घी डालेंगे, अग्नि लगा देंगे, जल जाएगी। और वैसे आप इसे गैस पर भी आधे से ज्यादा जला सकते हैं और फिर इस पर घी डालेंगे तो यह स्वतः ही जलने लग जाती है, उसी के ऊपर डाल देना। अब जब आप कंडा जला लेते हैं तो उसी के ऊपर आपने थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये सभी पांच चीजें डाल देनी है दोस्तों। और दोस्तों ये पांच चीजें डालने के बाद आपने इसको अपने पूरे घर में घुमा देना है, हर कमरे में एक बार घुमा देना। इसकी सुगंध सारे घर में जब चली जाएगी दोस्तों, घर के अंदर कैसी भी बाधा हो, किया कराया हो, संकट हो, भूत प्रेत कहते हैं जिसे वो भी हो, सब निकल जाएगा, अपना स्थान छोड़ देगा। दोस्तों यह जो प्रयोग है, आप इस प्रयोग को करें तो संध्या काल के लगभग आप समय चुनें, संध्या काल से कुछ मिनट पहले या कुछ मिनट बाद। बस दोस्तों आपने यह चुन लेना है, 8 दिन इस प्रयोग को कर देना है। अब यह जब अग्नि आप पूरे घर में घुमा देते हैं तो इसे घर में ही एक तरफ रखे रहने देना। जब यह शांत हो जाएगी अगले दिन इसे किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे डाल देना, कर लेना। दोस्तों आप जब करोगे तो समझ लेना आपके ऊपर जो भी बाधा है, घर पर बंधन भी है, तब भी खुल जाएगा। अच्छा लगता है किसी को बता देना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।